हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख साबर विद्या में आपका स्वागत करता हूँ। आशा है दोस्तों, आप सब लोग भी प्रभु की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो दुश्मनों से पीड़ित होते हैं, शत्रुओं से परेशान होते हैं। और एक शत्रु होते हैं तो कोई भी निपट सकता है, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो बलशाली होते हैं, ताकत से भी बलशाली होते हैं, शारीरिक ताकत से भी बलशाली होते हैं और पैसों की ताकत से भी बलशाली होते हैं। और साथ ही कुछ लोग पॉलिटिकल रिसोर्सेज, राजनीतिक पहुंच के बल पे शत्रुता निभाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। जो मासूम होते हैं, गरीब होते हैं, जो निर्बल होते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। और जो एक खास बात ये होता है शत्रुता में कि शत्रु लोग जो होते हैं वो एक गैंग भी बना लेते हैं और गैंग बनाकर लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं। जैसे ऑफिस में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो एक गैंग के रूप में काम करते हैं ऑफिस के अंदर, और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको परेशान करने का काम करते हैं, टॉर्चर करने का काम करते हैं। इतना इतना टॉर्चर करते हैं कि उनको जॉब छोड़ने का भी मन करता है। इतने परेशान लोग हो जाते हैं, मतलब मानसिक रूप से आदमी बहुत डिस्टर्बेंस हो अपने आप को फील करता है। तो ऐसी स्थिति में जब लोग गैंग बनाकर आपको टॉर्चर करने का काम, प्रताड़ित करने का काम आपको कर रहे हो, तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एक उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करेंगे तो जो लोग आपस में मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं उनमें फूट पड़ जाएगी, वो आपस में ही लड़ने लगेंगे और आपकी तरफ उनका ध्यान हट जाएगा। मतलब वो आपस में ही लड़ने लगेंगे दूसरे से, ठीक है। जानना चाहते हैं इस उपाय के बारे में दोस्तों, तो आप इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उस ऑल के ऑप्शन को भी आप क्लिक कर दें, ताकि इस प्रकार की मेरी हर आने वाली वीडियो सूचना आपको सबसे फर्स्ट प्राप्त हो और आप इसको समझकर फायदा उठा सकें। चलिए समझ लेते हैं कि वो उपाय क्या है और कैसा है। इस उपाय को करने के लिए आपको काजल लेना पड़ेगा, जो आंखों में लगाया जाता है, अंजन किया जाता है, उस काजल का इस्तेमाल आपको करना है। तो आप अपने घर में जो फर्श है या ज़मीन है वहाँ पर इसको यूज करनी है। तो काजल ले लीजिए और कोई भी एक छोटी सी पतली सी लकड़ी ले लीजिए, उस लकड़ी से उस काजल को निकाल कर उसी काजल से आपको अपने शत्रुओं का नाम लिखना है। यदि एक शत्रु है तो एक का नाम लिखेंगे, और एक से ज़्यादा है तो उन सब शत्रुओं का नाम लिखना है। नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, गोलाकार या अंडाकार में आप नाम लिखना है, सबका नाम एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से पूरे गोलाकार में आपको उन सब शत्रुओं का नाम लिखना है और काजल से ही लिखना है। और नाम लिखने के बाद आप एक चाकू लेंगे और चाकू को उन गोलाकार जो आकृति आपने नाम लिखा हुआ है उसके बीचों बीच रखेंगे उसको चाकू को, और घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको घुमाएंगे। घुमाएंगे मतलब वो जो चाकू है उसके नामों पे क्रॉस करना चाहिए, कटना चाहिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरीके से काट, इस तरीके से आपको 2 मिनट तक इसी तरीके से घुमाना है लगातार, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरीके से यदि 3 दिन भी करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो आपके जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो गैंग बनाकर, जो टीम बनाकर आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनमें आपस में द्वंद्व उत्पन्न हो गया है, उनमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो गया है। वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अब एक दूसरे की बुराई करके एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदने में व्यस्त हो गए हैं। अब आप उनसे शत्रुता के लिए आप उनसे बच जाते हैं, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो आपकी ओर उनका ध्यान हट जाता है। बहुत ज़बरदस्त है ये टोटका, ये प्रयोग आप करके देखें। बहुतों को मैंने प्रयोग किया कराया है और उन सब ने अपने अपने शत्रुओं से निजात पाई है।
तो आप भी करिए और अपने शत्रुओं से अपने आप को रक्षा करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त करके इनका फ़ायदा उठाकर अपने आप को शत्रु मुक्त या इनेमी प्रूफ कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।